आप में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, वन अमंग्स देम बीइंग कबाब्स। लखनऊ से होके मैं वहाँ की ही कोई स्पेशलिटी डिश आपके साथ शेयर ना करूँ तो ऐसे कैसे चलेगा? आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए लखनऊ के फेमस और ऑथेंटिक वेज गलौटी कबाब्स की रेसिपी। साथ ही में बीइंग अ पंजाबी, राजमा चावल हमारे स्टेपल हैं जो कि हर पंजाबी घर में हर हफ्ते बनता ही है, तो आज ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ टिपिकल पंजाबी स्टाइल में। सो हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड फॉर ऑल दीज अमेजिंग रेसिपीज टुडे। कल रात को ही मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे। इनको रात भर भिगोना बहुत ज़रूरी है, मतलब इनको मिनिमम आप कह सकते हैं 8 घंटे का सोकिंग टाइम तो चाहिए ही चाहिए। मैंने ये अराउंड 1.5 कप राजमा लिए थे क्योंकि राजमा की मुझे आज सब्जी भी बनानी है और यही राजमा यूज़ होंगे हमारे गलौटी कबाब्स बनाने में भी। और साथ ही में एक और इंग्रेडिएंट यूज़ होगा गलौटी कबाब्स में जो मैं आपको लेटर ऑन इन दिस वीडियो बताऊंगी। जिस पानी में हमने राजमा सोक किया था वो हम कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे और फ्रेश पानी डाल के इन्हें उबालने के लिए रख देंगे। पानी का लेवल राजमा के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और इसको मैं 5-6 सीटियाँ दिलवा दूंगी। राजमा खाने से अक्सर लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, कईयों को ये पचता नहीं है और कई लोग बोलते हैं कि इसे खाने से ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बनती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको राजमा खाने से कभी नहीं होंगी। बस आपको करना इतना है कि जिस पानी में आपने राजमा को भिगोया था वो पानी आप कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे और उबालते वक्त राजमा को आप फ्रेश पानी का इस्तेमाल करेंगे, सेम सोक्ड वाटर का नहीं। ऐसा करने से आपको कभी भी राजमा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजमा मसाला बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ तो मैंने 3 प्याज लिए हैं और 2 बड़े टमाटर लिए हैं जिनको मैं रफली इस तरीके से स्लाइस कर रही हूँ। वैसे मैं राजमा बनाने की ऑलरेडी एक बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आज जिस तरीके से मैं राजमा बना रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट और क्विक मेथड है। ऑयल गरम जब हो जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, तेजपत्ता, 2-3 लौंग और 2 हरी इलायची। इसके बाद ये प्याज और टमाटर जो हमने स्लाइस करके रखा था ये इसमें डाल देंगे हम। कुछ कलियाँ लहसुन की और 1 छोटा पीस अदरक का डाला है मैंने। 1 हरी मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ, लेकिन हरी मिर्च डालना इसमें कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतनी ही अच्छी सब्जी बनेगी, तो इस मसाले को मैं मीडियम पे करके पकने दूंगी क्योंकि इसमें लगने वाला है थोड़ा सा टाइम, और तब तक मैं तैयारी कर लूंगी गलौटी कबाब बनाने की। इन्हें बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ढेर सारे खड़े मसाले। इन सभी मसालों का डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये मसाले ही गलौटी कबाब की जान है और यही वो मसाले हैं जो इनको बहुत ही एक यूनिक फ्लेवर देते हैं और बाकी सभी कबाब रेसिपीज से इसको अलग बना देते हैं। अगर इनमें से कोई भी मसाला आपके पास मिसिंग है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उसे लेके आइए और तब इन्हें बनाइए, वरना कभी भी आपको वो ऑथेंटिक लखनवी कबाब वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। गलौटी कबाब वैसे तो बनाना काफ़ी ईजी है, बस इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें इन सभी खड़े मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद हम इन्हें फाइन ग्राइंड कर लेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज होए। और हाँ, इसे लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट कीजिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें रोस्ट करनी होती है तो हम फ्लेम कभी भी इंक्रीज नहीं करते हैं। साथ साथ मैंने जो राजमा बनाने के लिए मसाला यहाँ पे रखा है उसको भी बीच बीच में मैं हिला लूँगी ताकि वो जले नहीं। आपको पता चल जाएगा कि ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं जब इनका कलर चेंज हो जाएगा और आप इनकी खुशबू भी महसूस कर पा रहे होंगे। इसको मैं डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर जार में ही डाल रही हूँ, लेकिन ठंडा होने पे ही इन्हें ग्राइंड करूँगी और एकदम फाइन ग्राइंड करूँगी। इन द मीनवाइल यहाँ पे मसाला जब मैंने चेक किया तो ये भी हो चुका है, अच्छे से सभी चीज़ें गल गई हैं। अब ये वाली गैस भी मैं बंद कर दूंगी और इस मसाले को ठंडा होने दूंगी। इन द मीनवाइल गलौटी कबाब के लिए जो मसाला हमने रेडी किया था ड्राई रोस्ट करके उसे मैं फाइन ग्राइंड कर रही हूँ। दिस इज डन, तो मैं इसको अब निकाल लूंगी एक प्लेट में।
अगर आप एकदम फाइन ग्राइंड नहीं कर पा रहे, आपकी मिक्सी थोड़े भी कम पावर की है और एकदम फाइन ग्राइंड नहीं हो रहा, तो आप इस मसाले को छान के लीजिएगा। दूसरा स्टेप ये कबाब बनाने का है कि हमें बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। 4 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे बेसन ड्राई रोस्ट कर रही हूँ एकदम लो फ्लेम पे। खास तौर से बेसन को भूनते वक्त ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को कभी भी आप इंक्रीज मत कीजिएगा, क्योंकि बेसन अदरवाइज कच्चा रह जाएगा और खाने में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं देगा। आपको डिस्टिंक्टली वो कच्चा स्वाद मुँह में आएगा अगर बेसन ठीक से भुना नहीं है। अभी मैं 4 बड़े चम्मच बेसन भून रही हूँ, लेकिन ये सारा हमारी रेसिपी में नहीं जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भूना है मैंने। क्यों ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, और कितना बेसन रेसिपी में जाएगा वो भी बताऊँगी इन अ लिटिल वाइल। बेसन भून चुका है तो उसको मैंने अलग कर लिया है। अब तीसरा स्टेप गलौटी कबाब बनाने का। मैं सेम पैन में ले रही हूँ करीबन 2 चम्मच घी, जिसमें मैं रोस्ट करूँगी काजू को। काजू को हमें बिल्कुल ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये करीबन 1 मुट्ठी काजू है। काजू को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर लूँगी चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप ये कबाब बनाने का ये है कि एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने आधा लिया है, उसको मैं रफली इस तरीके से स्लाइस कर लूँगी। 1 इंच टुकड़ा अदरक का है, उसको भी स्लाइस कर लूँगी। और कुछ कलियाँ लहसुन की हैं, जिनको मैं सिर्फ इस तरीके से दबा के क्रश करके लूँगी। काजू हमारा बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है। ये मत सोचिएगा कि मैंने इसे जला दिया है, नहीं, इसी तरीके का काजू हमें चाहिए। एकदम डार्क ब्राउन हमने इसे कर लिया है और इसको मैंने अब प्लेट में निकाल लिया है। एक्स्ट्रा जो घी बचा है पैन में, उसी में मैं ये प्याज अदरक लहसुन को ब्राउन करूँगी। हाँ, इन्हें भी हमें ब्राउन ही करना है, एकदम हल्के गुलाबी में हम इसे नहीं छोड़ेंगे। डार्क ब्राउन जब तक ये नहीं होता तब तक भूनेंगे। जब तक यहाँ पे प्याज हमारे भुन रहे हैं, तब तक ये जो मसाला ठंडा हो चुका है राजमा बनाने के लिए, इनको मैं पीस लेती हूँ। तेज पत्ता हटा दूंगी मैं, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सभी चीज़ों को ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। प्याज को भुनने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तब तक मैं आपको कुकर खोल के राजमा दिखा देती हूँ। कुकर की स्टीम अपने आप निकल चुकी है और राजमा बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अगर इस पॉइंट तक आपके राजमा नहीं गले हैं कि वो आराम से मैश हो रहे हैं हाथों के बीच में, तो आप इसे और विसल दिलवा के थोड़ा गला लीजिए, क्योंकि अगर राजमा सही नहीं गले होंगे ना, तो ना सब्जी अच्छी बनेगी और ना ही कबाब। प्याज अदरक लहसुन ये भी बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है, तो इसे मैं प्लेट में अलग कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा घी आप हटा दीजिएगा या फिर आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक से सभी चीज़ें फ्राई हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी लेना ज़रूरी था। विद दिस हमारे सभी स्टेप्स गलौटी कबाब के हो चुके हैं। आई मीन ऑल द बेसिक प्रेप वर्क इज़ डन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यही राजमा से मैं सब्जी भी बनाऊंगी और गलौटी कबाब भी, तो थोड़े से राजमा मैं छन्नी में अलग कर रही हूँ कबाब बनाने के लिए। छन्नी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि सारा जो पानी है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाए। हमें कबाब्स में एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं चाहिए, वरना वो बंधेंगे नहीं। और रिमेनिंग जितने भी राजमा हैं उनको मैं यूज़ कर लूँगी सब्जी बनाने में। अराउंड 1.5 कप बॉइल्ड राजमा मैंने लिए हैं कबाब बनाने के लिए। अब मैं गैस पे सेम कढ़ाई चढ़ा रही हूँ जिसमें मैंने मसाला बनाया था राजमा के लिए। उसमें वापस से डालूँगी 2 चम्मच तेल और ये जो मसाला पेस्ट हमने बनाई थी वो डाल दूंगी। इस मसाले को अच्छे से कुछ 2-3 मिनट हम चला लेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें घर के अपने सारे बेसिक मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा इसमें मुझे पानी की ज़रूरत लग रही है डालने की, तो मैं रेगुलर पानी की जगह इसमें राजमा वाले जो पानी है वही डालूंगी। ये वाला पानी अगर आपके पास नहीं बचा है राजमा बॉईल करने के बाद, तो आप रेगुलर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मसाला अच्छे से रल मिल गया है एकदम, तब हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड राजमा।
इस समय मैं और पानी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ राजमा डाल रही हूँ, क्योंकि इस राजमा को मैं इस मसाले में अब भूनूंगी। इस प्रोसेस से राजमा का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। पानी बिल्कुल मत डालिएगा अभी, राजमा को मसाले में अच्छे से भूनिए फॉर द नेक्स्ट 3-4 मिनट्स, और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। मैं यही बॉइल्ड राजमा वाला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो प्रेफरेबली इस समय गर्म पानी डाल के यहाँ पे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। ग्रेवी आपको कितनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग आज इसे चावल के साथ खाने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी। ये जो राजमा मैंने अलग किए थे कबाब्स बनाने के लिए, उसमें से भी जो पानी अलग हुआ है वो भी इसमें डाल दूँगी। सब्जी में हम अच्छे से बॉईल आने देंगे और इसको 2-3 मिनट और पका लेंगे बॉईल आने के बाद। उसके बाद ये सब्जी एब्सोल्युटली रेडी है टू सर्व। ऊपर से बस मैं गार्निश करूंगी कटे हुए धनिए के साथ। जैसे मैंने बताया है, अगर आप ये सब्जी ऐसे ही बनाएंगे तो देर इज़ नो वे दैट यू कैन गो रॉन्ग एंड यू विल बी मेकिंग दिस इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे पॉसिबल। हर पंजाबी घर में ये सब्ज़ी इसी तरीके से बनाई जाती है। बाकी की कोई भी सब्ज़ी हर घर में डिफरेंट तरीके से बन सकती है, लेकिन राजमा एक ऐसी रेसिपी है ना जो ऑलमोस्ट हर पंजाबी घर में हर संडे को बनती है और इसी तरीके से बनती है। हम इसे बचपन में मोठी चावल बुलाया करते थे। अगर आप भी पंजाबी हैं और इस समय ये रेसिपी देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि आप इसे क्या बुलाते हैं। फिलहाल कबाब्स बनाने की सभी चीज़ें मैंने एक साथ कर ली हैं। मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप बॉइल्ड राजमा है, 1/2 कप बॉइल्ड सूरन है यानी कि जिमीकंद, और इसमें मैं डाल दूँगी ये फ्राइड कैश्यूज और प्याज अदरक लहसुन जो हमने अभी फ्राई करके रखा था। मैंने लास्ट टाइम जब सूरन की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं थोड़ा सा सूरन अलग कर रही हूँ ये कबाब्स बनाने के लिए। तो अगर आपको देखना है कि सही तरीका क्या है सूरन को कुक करने का या फिर उसे बॉइल करने का, तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई है ऑब्वियसली, बिकॉज कबाब में किसी भी तरीके का मॉइस्चर कबाब्स को ख़राब कर देता है। तो क्योंकि ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई है तो इसे पीसने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में इसको ग्राइंड करना है और बीच बीच में हिलाते चलना है, वरना आपको ग्राइंड करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और हाँ, इसे हमें स्मूथली ग्राइंड ही करना है बिकॉज ये कबाब्स एकदम मेल्ट इन द माउथ बनते हैं। कोई भी टुकड़ा या किसी भी चीज़ का चंक मुंह में नहीं आना चाहिए जब हम ये कबाब खाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये पहला बैच मेरा कबाब्स का पिस के रेडी हो गया है एंड एज यू कैन सी बिल्कुल स्मूथली पिसा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी पीसेगा। मैंने ये टोटल सारा मिक्सचर अराउंड 4 बैचेस में ग्राइंड किया था, क्योंकि आप थोड़ा सा भी ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर जार में मिक्सचर डाल देंगे ना ग्राइंड होने के लिए तो आपकी मिक्सी चलेगी ही नहीं। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही बैचेस में इसको ग्राइंड करिएगा। पूरा बैच यहाँ पे ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, जिसमें मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर, और ये जो मसाला हमने गलौटी कबाब का बना के रखा था वो मैं अभी 1/2 डाल रही हूँ, और अराउंड 1.5 टेबल स्पून के करीब बेसन डाल रही हूँ। बेसन अभी मैंने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून ही डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही हम इसमें और बेसन ऐड करेंगे, वरना नहीं ऐड करेंगे। अदरवाइज़ 1 से 2 टेबलस्पून के बीच में बेसन इसमें सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिमेंबर कि ये कबाब्स हैं, टिक्कीज या कटलेट नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, ये बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं मिलेंगे, तो इसका मिक्सचर भी सॉफ्ट ही रहेगा। अगर आप ज़्यादा इसमें बेसन डाल देंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है और वो सही फ्लेवर नहीं आएगा जो ऑथेंटिक होता है। बेसन हमने ज़्यादा इसलिए भूना था क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस मिक्सचर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अभी नहीं है, अभी ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई है, सो दिस इज़ परफेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस मिक्सचर में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा बेसन में भी 1/2 टीस्पून और डालना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही बेसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भून के लिया था। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसको चख के देख सकते हैं और सीजनिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गलौटी कबाब मसाला जो हमने बनाया है, इसमें सिर्फ नमक और लाल मिर्च ही डालिएगा और कोई मसाला मत डालिएगा।
इस गलौटी कबाब मसाले में वो हर फ्लेवर है जो इस रेसिपी को चाहिए। नमक लाल मिर्च एडजस्ट करने के बाद गलौटी कबाब मसाला मैंने सारा ही डाल दिया है इसमें। कबाब्स थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ब्लैंड नहीं। सीजनिंग एडजस्ट करने के बाद अब ये मिक्सचर हमारा हो गया है रेडी टू मेक कबाब्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर ढीला है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाए, वरना ये तुरंत ही रेडी है कबाब्स बनाने के लिए। ये जो मेरा मिक्सचर है इस समय बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्टली इस समय अब कबाब बना लूंगी। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्सचर का लेके हर तरफ से स्मूथ करते हुए एक टिक्की सी बना लीजिए। कबाब का बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसलिए ये कबाब भी एकदम स्मूथ बन रहे हैं, इनमें कोई भी क्रैक्स आपको नजर नहीं आएंगे। इसी तरीके से मैं सारे कबाब्स बना लूंगी बिफोर आई एक्चुअली बिगिन टू शैलो फ्राई देम। इतने सारे कबाब्स मेरे इस बैटर से बन गए हैं और एक ये लास्ट वाला थोड़ा सा छोटा सा बना है। राजमा के साथ हमारे घर में कोई रोटी खाना प्रेफर नहीं करता, तो अब मैं चावल चढ़ा दूंगी इस समय साथ में बनने के लिए, और दूसरी गैस पे मैं पैन चढ़ा रही हूँ कबाब्स को सेकने के लिए। ये सारे कबाब्स मैं इस समय फ्राई नहीं करूँगी, सिर्फ 6-7 ही इस समय करूँगी और बाकी के सारे कबाब्स मैं फ्रिज में एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। ये आप फ्रिज में रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज और जब मन चाहे इन्हें निकाल के आप शैलो फ्राई कर लीजिए। अगर आपको इन्हें फ्रीज करना है तो आप इसे जिप लॉक बैग में डालिए और तब अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिए फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। कबाब्स को मैं मीडियम फ्लेम पे सेकूंगी ताकि बाहर से बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएं और क्रिस्प हो जाएं और अंदर से एकदम मेल्ट इन माउथ रहेंगे। ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दिया है और जब ये नीचे से पूरे सिक जाएंगे उसके बाद ही इन्हें पलटिएगा। बार बार भी अल्टा पलटी करने से ना कबाब्स ऑयली बनते हैं, इवन दो यू आर शैलो फ्राइंग देम, बट स्टिल इनको तभी पलटिएगा जब ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन हो जाए, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। इसी तरीके से जब ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे ना, उसके बाद इन्हें निकाल लीजिए एंड गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ट्रस्ट मी, ये इतने ज़्यादा मेल्ट इन माउथ होते हैं ना और इतने फ्लेवरफुल होते हैं कि इन्हें रेजिस्ट करना एकदम नामुमकिन है। चलिए तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से इन्हें बना डालिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप सारे खड़े मसाले इसके लिए पहले ही इकट्ठे कर लें बिफोर यू प्रोसीड विद द मेकिंग ऑफ दीज कबाब्स। वो बहुत क्रूशियल है इस रेसिपी में और सारा फ्लेवर उसी में है। कैसी लगी आपको ये आज की लखनऊ स्पेशल रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से हैं और मुझे कहाँ से देख रहे हैं मुझे वो भी बताइएगा। इट्स ऑलवेज गुड टू रीड योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स, सजेशंस, इवन क्रिटिसिज्म मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टू ऑल्सो इम्प्रोवाइज, सो डू कीप राइटिंग। ऑल्सो आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। आई होप कि आज का मेरा ये लंच व्लॉग एंड द वे आई हैव सेट अप द प्लेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आफ्टर ऑल आप अपनी आंखों से पहले खाते हैं। डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच कुकिंग व्लॉग्स। अब मैं लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी जल्द ही विद माई नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय बाय।